एवरेज पावर के आगे एवरेज क्यों लगाया, ये पहला क्वेश्चन है। पावर भी तो बोल सकता था, एवरेज क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर में ई और आई दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मैंने करंट का इलाज तो निकाल दिया था, एवरेज करंट, आरएमएस करंट, मैंने ईएमएफ का इलाज भी निकाल दिया था, एवरेज ईएमएफ या आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पर पावर के तो इलाज निकला ही नहीं, क्योंकि पावर क्या है, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज और करंट दोनों चेंज होंगे तो पावर भी हर इंस्टेंट पर चेंज होगी, और अगर पावर चेंज होगी मेरे को एवरेज पावर निकालनी है, क्या होगी ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, यानी कि ओनली रेजिस्टेंस, कोई इंडक्टर नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं, तो पहले एवरेज पावर निकलेगी ओनली रेजिस्टर में, फिर ओनली इंडक्टर में, फिर ओनली कैपेसिटर में, फिर एलसीआर में, ये चार टॉपिक हैं। तो पहले ओनली इंडक्टर में और रेजिस्टर में, ओनली रेजिस्टर्स का मतलब होता है नॉन इंडक्टिव सर्किट। तो आप इसमें क्या करेंगे, याद करो ओनली रेजिस्टर में ई क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों सेम फेस में। हमने कौन सी पावर निकालनी है, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ई और आई हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, चेंज, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। तो ऐसा करते हैं, ई चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, हम निकाल लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर ई इंटू आई, ई की जगह पुट कर दें, आई की जगह वैल्यू पुट कर दें, डी टी को राइट साइड पे ले जाएं, तो ये टर्म आ गई, और मल्टीप्लाई करके साइन और साइन साइन स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास स्मॉल अमाउंट, इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से टी तक, और ये मैंने याद करवाया था साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी बाई टू। तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू आ गया, तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर की वैल्यू टू को लिखेंगे रूट टू रूट टू, तो ई नॉट बाई रूट टू इज ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू इज आई आर एम एस, तो एवरेज पावर की वैल्यू ओनली रजिस्टर में क्या आएगी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। एक स्टूडेंट बोला सर ये तो वैसे भी लिख सकते थे, मैंने कहा कैसे, कहता इलेक्ट्रिसिटी से ई इंटू आई, हाँ तो लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि इसमें इंडक्टर का चक्कर नहीं, कैपेसिटर का चक्कर नहीं, और रेजिस्टर वाला केस तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही तो मैच करेगा, E into I, तो वही तो आ रहा है, E DC और DC को हम क्या बोलते हैं, IRMS, करना नहीं बात अलग है, प्रूफ तो ऐसे ही करना है, बट समझ में आ रहा है कि मैच किसके साथ कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के रिजल्ट के साथ मैच करेगा। क्लियर है यहाँ तक?